आईसीएस करियर जीपीएस ऐप डाउनलोड करने के लिए हम प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर के सर्च बार में आईसीएस करियर जीपीएस टाइप करेंगे और उसको सर्च करेंगे। यहाँ इस तरह से ब्लू कलर का आइकॉन ही हमें दिखाई देगा आईसीएस करियर जीपीएस का, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। जैसा कि इंस्टॉल हो रहा है और आप देख पा रहे हैं कि आईसीएस जीपीएस करियर आईसीएस करियर जीपीएस करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम फर्स्ट फेज में ये मॉडल स्कूल, सीएम राइस स्कूल और एक्सेलेंस स्कूल के छात्रों के लिए रखा गया है। आईसीएस करियर जीपीएस डाउनलोड हो चुका है, अब इसे ओपन करेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं सब हिंदी भाषा का चयन करूँगी। ये देखिए आप, आईसीएस करियर जीपीएस की इंटरफेस है ये, इसकी प्रोसेस है पूरी। इसको स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे और यहाँ हम इसे साइन अप करेंगे। हम पहली बार आईसीएस करियर जीपीएस ऐप को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए यहाँ हमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, गूगल के साथ साइन अप करें, फेसबुक के साथ साइन अप करें, ईमेल के साथ साइन अप करें। तो यहाँ हम ईमेल के साथ साइन अप करने वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी फिल करूँगी और यहाँ पे लिखा है संगठन कोड दर्ज करें। तो संगठन कोड जो हमारे स्कूल का डाइस कोड है वह हमारा संगठन कोड होगा। यहाँ देखिए मैंने संगठन कोड दर्ज किया है। यदि आप टीचर हैं तो टी लिखें, यदि आप 9th 10th के स्टूडेंट हैं तो आप 1 लिखें, यदि आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर 2 लिखें। संगठन कोड दर्ज करने से आप इसकी फ्री सेवा का लाभ ले पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि फर्स्ट फेज़ में मॉडल मध्य प्रदेश के मॉडल स्कूल, सीएम राइस स्कूल और एक्सलेंस स्कूल के लिए यह कैरियर काउंसलिंग की ऐप की शुरुआत की गई है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि संगठन कोड दर्ज करते वक्त यदि आप टीचर हैं तो आप टी लिखेंगे, यदि आप 9th और 10th के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ 1 लिखेंगे और यदि आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। संगठन कोड दर्ज करते समय किसी भी प्रकार का स्पेस और यहाँ पे जो T12 आपको टाइप करना है उसके भी बीच में कोई भी स्पेस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं अलर्ट के लिए सदस्यता लेना चाहती हूँ, इस पे राइट क्लिक करूँगी और ईमेल के साथ इसको साइन अप करूँगी। ये देखिए ईमेल के साथ मैंने साइन अप किया है। यहाँ पूरी जानकारी मांगी जा रही है। पहला नाम, मैं अपना पहला नाम इसमें टाइप करूँगी, उपनाम में मेरा सरनेम दर्ज करूँगी और मेरा ईमेल आईडी में यहाँ ऐड करूँगी। पासवर्ड मुझे जनरेट करना होगा। पासवर्ड जनरेट करने के लिए अपर केस लोअर केस में हमें लेटर्स लेने होंगे, नंबर भी यहाँ होंगे और स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ भी यहाँ पे करना होगा। ये देखिए पासवर्ड 8 अक्षरों का होना चाहिए जिसमें अपर केस और लोअर केस अक्षर संख्या और विशेष वर्ण होना चाहिए। अब मैं साइन अप पे क्लिक करूँगी। अब देखिए यहाँ पे ओटीपी सत्यापित करें। यहाँ पे आप जो ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे उस ईमेल आईडी में आपका ओटीपी आएगा, तो आप अपनी ईमेल आईडी चेक करें। मैं यहाँ अपनी ईमेल आईडी को चेक करूँगी, इस पर आप देखेंगे पासवर्ड। ये देखिए आप, मेरा पासवर्ड आ चुका है इसमें ओटीपी के लिए, सॉरी ओटीपी आ चुका है। कभी कभी आपका ओटीपी इनबॉक्स में ना आकर के आपका प्रमोशंस बॉक्स में या स्पैम बॉक्स में आए तो आप उसको भी चेक कर लेना। अगर इनबॉक्स में ना हो तो वो प्रमोशंस या फिर स्पैम बॉक्स में होगा। मैं यहाँ पे अपना ओटीपी देखूँगी।
OTP यहाँ पर दर्ज करती हूँ। ये मैंने OTP लिख दिया है, अब आप देख पा रहे हैं ये अमान्य OTP है, यहाँ पे 6 आएगा। OTP जैसे ही हम इसमें OTP डालेंगे वैसे ही आपकी ICS करियर GPS ऐप का कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आएगा। यहाँ मुझे अपने करियर के बारे में, अपने विशेष करियर अभिरुचियों को पहचानने के लिए 10 मिनट का परीक्षण देना होगा। इसको मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले कक्षा चुननी होगी, जैसे कि मैं कक्षा 12वीं की विद्यार्थी हूँ तो मैंने यहाँ 12वीं चुना है। कोई 3 प्राथमिकताएँ आपको चुनना होगी, इसमें से कोई 3 प्राथमिकताएँ आप चुनें। जब आप 3 प्राथमिकताएँ चुनाएंगे तो अधिकतम 3 आपकी रुचियाँ पूछी जाएंगी। यहाँ पे कोई भी 4 रुचियाँ आप यहाँ सेलेक्ट करें और आगे बढ़ें। करियर अभिरुचि परीक्षण होगा, जो भी आपको लगता है बहुत पसंद, नापसंद, पसंद, इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। जैसे आप करते जाएंगे वैसे ही आपके ऑप्शन आगे खुलते जाएंगे। कोई भी एक ऑप्शन हमें इसमें पसंद कर चूज़ करना होगा। इस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमें क्वेश्चन अपने आते ही जा रहे हैं। ये 10 मिनट का हमारा टेस्ट होगा, इसे हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक देना है। ये मैंने अपने करियर अभिरुचि परीक्षण कर लिए हैं और अगला पेज हमारा खुला है 5 नंबर का। आपके प्रारंभिक परीक्षण विश्लेषण ने निम्न करियर क्षेत्रों को प्रकाशित किया है। मेरी रुचि में इसमें बताया है अर्थशास्त्र, विशेषज्ञता, उत्पादन, खपत और धन के हस्ताक्षर। इस तरह से मैं इसको और भी जाके देख सकती हूँ। ये मेरा करियर अभिरुचि टेस्ट पूरा हो गया है, इसको मैं समाप्त करूँगी। अब आपका टेस्ट जब पूरा माना जाएगा, जब आप इसका सेकंड टेस्ट भी दे देंगे। इसको जानने के लिए आप इनको, जो आपके ऑप्शन आए हैं इनको आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। ये मैंने अर्थशास्त्र क्लिक करके इसको सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पे स्तर 1 का मेरा जो टेस्ट है वो पूरा हो चुका है। अब स्तर 2 के टेस्ट को, अगर मेरा टेस्ट मुझे पूरा करना है तो मुझे व्यक्तित्व परीक्षण, आत्ममूल्यांकन भी देना होगा, तभी मेरा करियर अभिरुचि सही से सेलेक्ट होके आएगा। इसमें मुझे कोई भी एक कार्ड दोनों तरफ से चूज़ करना होगा। ये देखिए, क्योंकि मैंने दोनों विकल्प में से एक एक कार्ड चूज़ नहीं किया है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। ये आगे वाला ऑप्शन आ गया है, आपके प्रारंभिक परीक्षण विश्लेषण ने निम्न व्यक्तित्व को प्रकाशित किया है। इसमें से आपको कोई 4 गुण चूज़ करना है। चार ऑप्शन चूज कर रहे थे ही, ये यहाँ पे समाप्त कर देंगे हम इसको। अब मेरा परीक्षण पूरा हो गया है। आप अपनी करियर की रिपोर्ट भी यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। रिपोर्ट देखें, इसका PDF आपको मिल जाएगा। ये देखिए आप, ये करियर रिपोर्ट आ चुकी है यहाँ पे, इसे मैं डाउनलोड भी कर सकती हूँ। यहाँ बार में आप आके देखेंगे, यहाँ आपकी पूरी डिटेल्स दी होगी। भाषा का चयन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे दैनिक प्रश्नोत्तरी भी है, दैनिक प्रश्नोत्तरी आप डेली आप इसे कर सकते हैं। और जैसे देखिए आप, मैं इसको करके आपको बता रही हूँ, इसमें कोई भी 5 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। इनका सही जवाब देने पर जिसके पॉइंट्स अधिक होते हैं उसको 500 तक के गिफ्ट वाउचर यहाँ पे दिए जाते हैं। ये सबमिट कर दिए। अब उत्तर देखने के लिए देखिए आप, मेरे बहुत सारे आंसर गलत हो गए हैं और कुछ आंसर सही भी हैं, और इस तरह से हम देख पाएंगे। यहाँ बार में आके आप देखेंगे, लीडर बोर्ड पर आकर देख सकते हैं कि कौन जो स्टूडेंट है उसके सबसे ज़्यादा पॉइंट चल रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो आप इसमें विजेता भी बन सकते हैं। अगर डेली सही जवाब दिए तो आपके पॉइंट्स यहाँ पर काउंट होंगे।
और इसमें किसी प्रकार की यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।